अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो पब्लिक सेक्टर में जो सीट्स होती हैं NMTD, जिसको हम कहा जाता है कि न्यूली मर्ज्ड एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स की जो सीट्स होती हैं MBBS BDS की, जो उन्होंने KPK में अनाउंस की हैं, तो इसके साथ आपको बताएंगे जो एक्स फाटा की सीट्स होती हैं 31 सीट्स, तो इसके हवाले से उन्होंने नॉमिनेशन लेटर्स और इसके अलावा मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है। तो आपको बताएंगे जो मेरिट लिस्ट है इसमें जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड की गई है, और उसके अलावा जो न्यू फाटा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नॉमिनेशन लेटर्स इन्होंने इशू किए हैं जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से, तो वो भी तमाम डिटेल्स आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, और जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए और हमारे चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सअप के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो करें, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बताते चलिए कि जो KMU की जानिब से जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो पहले सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। न्यूली मर्ज्ड एरियाज के डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं MBBS BDS सेशन 2023, तो इसमें जो KMU ने अपनी फेसबुक पेज पर ये शाया किया था कि जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 333 सीट्स होती हैं जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ की हैं। बजोड़ है, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, खैबर, औरकज़ई, मोहम्मद, कुर्रम और एक्स फाटा की जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, तो ये KPK पंजाब सिंध बलोचिस्तान AJK में होती हैं। तो बाकी जो KPK की MBBS की बात करें तो 31 जो एक्स फाटा रेजिडेंशियल की सीट्स हैं तो इनकी उन्होंने लिस्ट भी लगा दी है। तो इसके हवाले से बताएं कि उन्होंने नॉमिनेशन लेटर्स इनके इशू करती हैं, तो ये आप देख सकते हैं लेटर उन्होंने इशू किए हैं, और ये 31 जो सीट्स हैं MBBS की तमाम स्टूडेंट्स के नेम और इनके आगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन है, तो ये जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है तो उनके हवाले से जो अपडेट हैं वो भी इन्होंने दी हैं, तो आपने लाजमी तौर पर इसको कंसिडर करना है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के नेम भी आगे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो बाकी ये जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए हैं 333 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि 333 कैंडिडेट्स हैं। आगे इनका जो कॉलेज है जहां पर ये सिलेक्ट हुए हैं BMC KCD BMC, ये देख सकते हैं कि इनका आगे डिवीजन वगैरह भी लिखी हुई है, एग्रीगेट भी लिखा है, और ये नेम, फादर नेम, इनका सीरियल वाइज ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अपना नेम लाजमी चेक कर लें जो सिलेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स MBBS BDS डिस्ट्रिक्ट एंड एक्स फाटा रेजिडेंशियल सेंट्रलाइज एडमिशन इन MBBS BDS पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ KPK सेशन 2023-4। तो आप स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर चेक कर लें, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है वो लाजमी जाकर KMU से कंटेक्ट करेंगे। बाकी ये जो नॉमिनेशन लेटर है आपका, ये आप देख सकते हैं कि ये 10 जनवरी 2024 को इन्होंने प्रिंट आउट करके यहाँ पर शाया कर दिया है, और इसमें वाजे तौर पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं यू मेडिकल कॉलेज में इनको सीट्स दी गई हैं, ये जो 28 स्टूडेंट्स हैं ये नेम, फादर नेम, आगे साउथ वजीरिस्तान बजोर, ये उनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी मैंशन है फर्दर स्टूडेंट्स के। तो जो स्टूडेंट्स जो उनसे हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आप देख सकते हैं कि जो फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी जो सीट कंफर्म होगी, और जो स्पेशली आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिशन विद इन 10 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द लेटर, मतलब कि लेटर जो 10 जनवरी को अगर शाया हुआ है तो बाकी आपने 20 जनवरी तक आपके पास टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यू मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएँ, तो उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी इन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो फेक डॉक्यूमेंट्स हुए तो फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी ये कॉपी उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है आगे KPK गवर्नमेंट को, और इसके अलावा फर्दर उन्होंने कहा भी है, जो डिटेल्स वगैरह आप लाजमी तौर पर जो वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी ये जो लिस्ट है जो 333 कैंडिडेट्स हैं इनकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं, ये आपने जो CAS सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम जो उनसे है यहाँ से आके KMU से वहाँ से आपने चेक कर लेना है लाजमी। बाकी फर्दर जो भी अपडेट होंगी वह भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जो KMU की जानिब से जो ओपन मेरिट MBBS BDS के हवाले से भी जो अपडेट्स आ रही हैं कि जो सीटें खाली रह चुकी हैं, स्टूडेंट्स लीव कर गए हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने फर्दर जो स्टूडेंट्स को बुलाया है, प्लेसमेंट की है, ये भी उन्होंने MBBS BDS सेल्फ अनास ओपन मेरिट के केस में स्टूडेंट्स को 17 जनवरी और 18 जनवरी सुबह 8:30 बजे बुला लिया है। तो बाकी ये फाइनल लिस्ट भी उन्होंने डिस्प्ले कर दिया। तो फर्दर डिटेल्स आप के साथ शेयर करते रहेंगे, चैनल के साथ कनेक्ट रहा करें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।